ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला क्यों होगा इसको हम चेक करते हैं। बी नो डेट ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू, साथ में आप भी करते चले क्या होता है, इक्वल टू होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है। इसमें से हम करते क्या है, माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी ए माइनस बी होल क्यूब यहां माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस थ्री ए बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या बना ए क्यू माइनस बी क्यू। और अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट में और राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड में करके लिख देते हैं, और ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या हो गया ए माइनस बी होल क्यूब प्लस थ्री ए बी ए माइनस बी। अब राइट हैंड साइड में आप देखिए कि क्या है, ए माइनस बी यहां भी है होल क्यूब में और ए माइनस बी यहां भी है, तो हम क्या कर सकते हैं ए माइनस बी को हम कॉमन ले लेंगे और इक्वल टू लिखते रहते हैं। ए माइनस बी को कॉमन ले लिया मैंने, अब कॉमन लेने के बाद बचा किया ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस थ्री ए बी, और लेफ्ट हैंड साइड में जैसे है ए क्यू माइनस बी क्यू वैसे ही हम इसको लिख देंगे। अब और ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू, अब देखिए ए माइनस बी यहां पे कॉमन लिया हुआ है, अब बीच वाले देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर। आपने मेरे पिछले वीडियो में अगर नहीं देखा है तो चेक कर ले, ये भी प्रूफ किया हुआ है। ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस थ्री ए बी। अब देखिए यहां पे माइनस टू ए बी है, यहां पे प्लस थ्री ए बी है। अब इसको इसी दोनों को मुझे सोल्व करना होगा, तो आगे लिखते हैं क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस माइनस टू प्लस थ्री, यानी माइनस टू ए बी प्लस थ्री ए बी क्या बन गया ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये मेरा क्या हो गया, प्रूव हो चुका है कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां देखिए क्वेश्चन में